हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया, दूसरा स्टार्ट कर लिया था जो कि था रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें हमने पहले में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको कहा था कि लास्ट में कि मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बेसिकली चार पांच होते हैं, चार मेनली होते हैं। पहला क्या है, दूसरा पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, और एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो पहला पहला जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन संयोजन अभिक्रिया क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट, है ना कंबाइन भी बोल सकते हैं इसको। संयोजन संयोजन यानी क्या होता है, मिलाप। मिलाप इसमें क्या होगा, दो चीजें मिलेगी, ए और प्लस बी मिलके आपको क्या दे देंगे, सी दे देंगे। तो संयोजन क्या होगा, दो चीजों का क्या होगा, योग। योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहते हैं कभी कभी, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहेंगे, कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको। ए प्लस बी मिलके क्या बना दे, एक प्रोडक्ट नया बना दे। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सी प्लस ओ टू, हमने पिछले लेक्चर में देखी थी रिएक्शन सीओ टू। तो ये क्या है, एक और दो, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, तीसरा पदार्थ बना दिया। ये क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। दो पदार्थ, दो क्रियाकारों को का मिलकर एक उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो आई होप समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछ लेंगे संयोजन अभिक्रिया में कितने, कम से कम कितने क्रियाकारक होने चाहिए, कितने होने चाहिए। क्रियाकारक क्या होते हैं, एरो से इधर वाले, और उत्पाद क्या होते हैं, उससे उधर वाले। ठीक है, एरो से क्रियाकारक मिनिमम कितने होने चाहिए, दो तो होने चाहिए, तीन भी मिलके एक बना सकते हैं, चार भी, कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये क्या हो गया, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कार्बन का सॉरी कोयले का दहन। ऐसे एक अभिक्रिया क्या होती है, Mg प्लस O2, MgO2, 2MgO, ये लो 2MgO, 2Mg प्लस O2, 2MgO, ये होगी। ये क्या कहलाती है, इसको हिंदी में कभी कभी आपको मिल जाएगा, मैग्नीशियम। ये क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फीते का दहन। दहन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ना। ठीक है, तो दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो कार्बन का दहन, कोयले का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, ये किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, पूछा जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये होता है संयोजन। मेन मेन चीजें थी, मोटी ज्यादा थ्योरी है, थोड़ी बात क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, या अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं जिसको। वियोजन वियोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, टूटना। संयोजन था जुड़ना, वियोजन क्या होगा, टूटना। इसमें क्या होगा, ए प्रोडक्ट होगा, ए बी मान लो, वो टूट जाएगा किसमें, ए प्लस बी में टूट जाएगा। एग्जाम्पल बताऊ, एग्जाम्पल जैसे हो गया सी ओ टू को तोड़ दो आप, C प्लस O2, ये क्या होगा, वियोजन हो गया। एक पदार्थ का दो पदार्थों में या दो से अधिक पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। समझ में आई, संयोजन और वियोजन आपस में क्या उल्टे फुलटे हैं। ठीक है, अब देखो जनरली कोई पदार्थ टूटना नहीं है, स्टेबल रहता है हमेशा। टूटने तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना, किसी की दोस्ती तोड़ने के लिए कोई बंदे बाहर से कुछ ना कुछ अप्रोच लगाते हैं, है ना। ऐसे ये तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा, ये ऊर्जा कैसे मिलेंगी, ये ऊर्जा मिलती है कहीं आपको विद्युत से मिलेगी, कहीं ये उष्मा से भी मिलेगी, कभी कभी ये चीज आपको मिल सकती है सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से मिल सकती है ना। तो ये कारण हो सकते हैं। तो इन सबके एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अब मैं कहता हूँ ये वियोजन या विघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। अब देखो मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल बताओ। विद्युत अपघटन, जिसमें ऐसा अपघटन जिसमें हम किसका यूज करें, विद्युत का, करंट का हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए अपघटन, यानी तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। एग्जाम्पल देख लो, टू NaCl, इसमें यहाँ पे इसको करंट फ्लो किया गया, करंट को ऐसे नहीं शो करें, करंट है,
तो ये किस में एन ए प्लस या एन ए रखो ना, एन ए प्लस, चलो एन ए प्लस ले लो, टू एन ए सी एल, एन ए प्लस सी एल टू, टू एन ए प्लस सी एल टू में ये टूट जाएगा, ये गैस है, गैस बन के ऊपर चली जाएंगी और ये एक फर्स्ट सॉल्यूशन दे जाएगा, ठीक है। ये एरो ऊपर वाला क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई ऐसी गैस है, गैस तो कहीं बाहर तो नहीं, ऐसे इकट्ठा तो रहेंगी नहीं, ये ऊपर चलेगी एनवायरमेंट में। और कभी कभी ऐसा एरो दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे पेंदे पे बैठ गया, कुछ ठोस है ये, ठीक है, आई बात समझ में। ये विद्युत अपघटन हो गया, ऐसे और एग्जाम्पल बताता हूं और उसमें अपघटन देख लेते हैं, उसमें अपघटन, ये इस अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, ठीक है। विद्युत यूज कर रहे हैं, उष्मा यूज कर सकते हैं, जैसे CaCO3 को हीट यानी गर्म किया जाए तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस CO2, CO2 गैस होती है और ये चला जाता है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, लिख देता हूँ यार, CaCO3 पूछा जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और CO2, ये क्या होता है, उसमें, उसमें को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये ट्रायंगल सा बना हुआ है ना, इसको ये त्रिभुज सा है, इसका मतलब क्या है, इसको हीट दी गई है। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, मुझे कमेंट करके बताना है, मैंने आपको बताई है, ऐसी जिसको हीट दी जा रही है, ये क्या चाहिए, इसको हीट चाहिए, तो इस रिएक्शन क्या होगी, उष्मा शोषी या फिर उष्मा छेपी, कमेंट करके बताना, जिसको नहीं पता वो पिछला लेक्चर देख लो, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विद्युत हो गया, एक प्रकाश अपघटन की भी देख लेते हैं, प्रकाशीय अपघटन, इसका एक एग्जांपल ले लो, 2HBr, Br मतलब ब्रोमीन, ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और 2Br में टूट जाता है, हाइड्रोजन ऊपर उठ जाएंगी गैस से, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल, एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे बात करता हूँ तीसरे टाइप का, ये अपघटनीय हो गया, तीसरा जो टाइप है वो और भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, क्या नाम है, विस्थापन, थर्ड टाइप क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन कुछ नहीं है भाई साहब, ए और बी प्लस सी, ये दो भाईले थे, एकदम पक्के पक्के भाईले थे, एकदम मस्त भाईले थे, चाहो तो दो लड़कियां मान सकते हो, चाहे दो लड़के मान सकते हो, या तो ये दो बॉयज हैं या दो गर्ल्स हैं, ठीक है। तीसरा बंदा आया जो कि अपोजिट जेंडर का है, मान लो फीमेल आए, यहाँ फीमेल है तो ये मेल आ गए, क्या हुआ, इसने इसकी भाईले को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, क्या कर दिया, कि नहीं अब मेरी दोस्ती नहीं है, अब ये मेरा यार बन गया, तू बाहर निकल, ये होता है, यही विस्थापन है, किसी एक का किसी दूसरे को हटा के अपनी जगह आ जाना, ए बी में सी ने इसको हटा दिया, ए सी बन गया और बी अपना अकेला हो गया, ठीक है, ये कहलाता है विस्थापन, इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आई होप आप चीज को समझ में आ रही होगी। अब इस रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया एक बीकर है, बीकर के अंदर किसका है, किसका है, क्या है, विलयन है, एक विलयन है किसका, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, जिसका रंग क्या है, नीला है, नीला, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, CuSO4, इसके अंदर क्या मिला दिया जाए, जेडन मिला देते हैं, जेडन मिला देते हैं, तो इसका रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, नीला रंग था वो गायब हो जाता है, हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आंसर इसका होगा ये है विस्थापन अभिक्रिया, कैसे समझो इसको, मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर क्या है, CuSO4, इसके साथ रिएक्शन क्या कर जाएगा, जेडन कर जाएगा, तो क्या बनेगा, जेडन CU को क्या कहेंगे, बग ऐसे मैं करूंगा किसके साथ, SO4 के साथ शादी, तो जेडन SO4 और CU का क्या हो गया, बगावट, तो ये क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई, इसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ ना, जेडन ने किसका विस्थापित कर दिया, CU को विस्थापित कर दिया, इसका कलर क्या होता है, नीला, और ये क्या होता है, रंगीन,
इसलिए इसका रंग चला जाता है। तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं CuSO4 में क्या मिलाने पे नीला कलर चला जाएगा, तो आंसर क्या देंगे, ZnO आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मिला सकते हैं, वो आगे मैं बात करूंगा अभी। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया की एक एग्जाम्पल। अब पूछ ले आपसे कि कौन किसको विस्थापित कर देगा, ये समझो इंपोर्टेंट है। देखो कौन किसको, हमें कैसे पता चला कि ZnCu से ताकतवर है, वो उसको विस्थापित कर सकते हैं। इसके लिए एक बना रहा हूं मैं आपके सामने एक लिस्ट, ठीक है, एक ऑर्डर बना रहा हूं। उस ऑर्डर को याद रखना, ऑर्डर की ट्रिक भी बता दूंगा आपको थोड़ी, और क्या है, याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो उस ट्रिक को अच्छे से समझना। देखो मैं एक कुछ लाइन लिख रहा हूँ, उसको समझना, बाकी अपना आप याद दे जाएगा। देखो ये कालू नाई था, यानी कालू नाई, कालू नाई, काल 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 यानी कल, आलू आलू होता है, आलू क्या कर रहा था, मांगर लायो, मांगर लायो। ठीक है, जने काई यो, जने पापा, जो उसके पापा थे उन्होंने इसको क्या किया, कूटियो, पापा कूटियो। आज ओरू कोनी मांगे, है ना। तो कालू नहीं था, काल आलू मांगर लायो, जने पापा कूटियो, आज ओरू कोन मांगे, ये आपको लाइन याद रहेगी। अब इसको इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, कालू क्या होता है, के ए एल यू, कालू नाई क्या होता है, एन ए आई नाई, काल को इससे लिखो सी डबल ए एल काल, ठीक है, के डबल एल नहीं लिखना, सी डबल ए काल। आलू यानी ए एल यू आलू, मांग यानी एम ए एन जी मांग, लायो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जने जने जेड से लिखना, पापा यानी पी ए पापा, कूटियो सी से लिखना, सी यू टी यू, आपको के यूज नहीं करना, का के लिए क्या यूज करना है, सी यूज, कूटियो। आज आज ओरू यानी ए यू आज ओरू कौन लाए, ठीक है। अब देखो इससे याद हो जाएगा, के से क्या होता है कैल्शियम, एन से सोडियम एन ए, काल से कैल्शियम, आलू से एल्यूमिनियम, मांगर से एम जी, जने से जेड एन, पापा से पी बी, कूटियो से सी यू, आज से ए जी, ओरू से एयू। ये लिस्ट होगी देखो आपके सामने, कि ऊपर वाला क्या होता है, इसमें ऊपर वाला स्ट्रोंग है, नीचे से जाते हैं ना तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम, क्रियाशीलता कम। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, जिसकी पावर ऊपर है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है, वो नीचे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये चीज है इसमें आपको, मैं अभी हमने देखा था सीयू था, सीयू को कौन हटा सकता है, इसके ऊपर वाले, उसमें जिंक है, जिंक हटा देगा, पीबी भी हटा सकता है, कोई टेंशन नहीं, एमजी भी हटा सकता है, एएलएम भी हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को घटा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कालू नाई और मांगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूँ एमजीओ, एमजीओ है, एमजीओ में क्या मिलाऊं कि ये हट सकता है, तो मैंने एमजीओ में मिला दिया, मान लो सीए, कैल्शियम हटा देगा तो क्या बन जाएगा, सीएओ प्लस एमजी बन जाएगा। ऐसे मैं अगर बात करूं अपने ZnSO4 प्लस Cu लिख दूं तो ये रिएक्शन आगे होगी, देखो Zn का है ऊपर पावरफुल को छोटा वाला हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसकी उल्टी होती है, हमने अभी देखी थी। परंतु तो यहाँ पे Zn की जगह मान लो क्या होता है, Cu की जगह क्या होता है, Mg, तो हो जाती है MgSO4 प्लस Cu वाला अपना अलग रह जाता है। तो ये ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, विस्थापन अभिक्रिया में आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। हिंदी नाम भी बता देता हूँ, कैल्शियम सोडियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक, पीबी क्या होता है, सीसा, सीयू कॉपर, एजी चांदी, एयू सोना, ठीक है, ध्यान रखना आप इन चीजों को। अब देखो इनमें एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है, इन दो को है ना बहुत ज्यादा क्रियाशील है, देखो मैंने कहा था सबसे ऊपर वाले ये तो एकदम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा पावर है, तो इनको क्या ठंडा रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है कि तुम ठंडे रहो। तो कहाँ रहते हैं ये रहते हैं केरोसिन के पानी में, इसलिए इनको केरोसिन माथे पे रखनी पड़ती है इनकी ठंडक। तो ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है, आपको केरोसिन में रखा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाए, सोडियम या केरोसिन, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड। अब देखो अब एक और है, वो है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में कोई खास चीजें है नहीं,
बस आप कुछ रिएक्शन याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, पूछना तो है नहीं उससे। दूसरी चौथी कौन सी है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन यानी जैसे ए बी प्लस सी डी, इन्होंने अपन आपस में इंटरचेंज कर लिया। मतलब दो भाईले थे, दो लड़के थे, दो लड़कियां थी, इन दोनों लड़कियों को ये दोनों लड़के पसंद आ गए तो इन्होंने आपस में शादी कर ली। ए सी बन गया एक और एक बीडी बन गया, है ना। एक तो बीडी पी रहा है और किस में पी रहा है? एसी में पी रहा है, ठीक। तो मतलब कुल मिला के बात समझो कि सी ए यहाँ आ गया और बी ने डी यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आपस में क्या हो गया? विस्थापित हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, ए जी एन ओ थ्री प्लस के सी एल, ए जी सी एल प्लस के एन ओ थ्री, ये रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ए जी और के ने आपस में क्या कर लिया? दूसरे को विस्थापित कर लिया। ए जी यहाँ आ गया तो ए जी सी एल, के एन ओ के यहाँ आ गया तो के एन ओ थ्री बन गया। इस तरह के एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपको एक एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है इम्पोर्टेंट जिसका नाम है उपोचयन। उपोचयन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पूछे आपसे उपोचयन, हिंदी में नहीं पूछा, वो हिंदी वालों से भी इंग्लिश में पूछता है। दैट इज रेडॉक्स अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन। ऑक्सीकरण इंग्लिश में भी ऑक्सीकरण बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हिंदी में ऑक्सीकरण, और ये अपचयन इंग्लिश में रिडक्शन। तो इनका ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, अच्छे से क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है, वो है उत्प्रेरक। उसको लेके हम पूरी क्लास को यानी थ्योरी वाले पार्ट को खत्म कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब बात आती है कि आप इसके यदि चाहती हो नोट्स तो आपको कहाँ जुड़ना पड़ेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक चैनल, दोनों पे लिंक डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी आप सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस, हम मिल जाएंगे, चाहे फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़िए आप, आपको नोट्स भी मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, प्लीज 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 इसको शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी जिन ग्रुप्स में कर सकते हो, प्लीज प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं हम, आपसे एक ही रखते हैं आपसे उम्मीद कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना, बाकी तो कुछ हो आपके मन में तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये चीज़ भी होनी चाहिए। तब तक के लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक, अलविदा तब तक के लिए, ठीक है। क्या हुआ आज लाइन शेड बैठी ना, हाँ कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक का कीजिए आप इंतजार, जो कि अपलोड हो जाएगा कल ही, और आपको मिलेगा नया अनुभव इसका, चैप्टर की लास्ट लास्ट क्लास फोर्थ थ्योरी, फिर हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अलविदा, जय हिंद जय भारत।